नमस्ते दोस्तों, गीतांजलि की दुनिया में खूब खूब स्वागत है। दोस्तों, आज व्रत की चाट बना रहे हैं। ये इमली है, इसको 1 घंटे पहले भिगो दिया था। बिना बीजों वाली जो इमली आती है, तो आप ताजी भी इमली भिगो सकते हैं। इसको 1 घंटे पहले अच्छे से 3-4 पानी से धो के भिगो देखिए, दिया था। ये देखिए, ये इसको इससे छान लिया और ये पल्प बचा है। इसकी मीठी चटनी बनाएंगे और इसकी खट्टी चटनी बनाएंगे। दोस्तों, ये धनिया है, इसको अच्छे से धो लिया है और इसकी सिर्फ जड़ जड़ हटाएंगे, ये डंडियां नहीं हटाएंगे। ये थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए निकाल ली धनिया और बाकी काट लेंगे। काटने से थोड़ा चटनी अच्छी पिसती है। अगर पूरी डंडी डाल दो तो थोड़े रेशे रेशे होते हैं, और चटनी, ये डंडियां डालने से चटनी में थिकनेस बढ़ जाती है। और दोस्तों, इस धनिया डंडी में महक भी अच्छी होती है और चिकनी चटनी बनती है, इसलिए डंडी डालनी ज़रूरी होती है। इसकी हरी चटनी बनेगी। हरी मिर्च, बीस से दो टुकड़ों में तोड़ दी है। अब सेंधा नमक डालेंगे। ये देखिए, इतना आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मैंने आधा चम्मच डाला है, वैसे आधा चम्मच परफेक्ट है, फिर भी अगर आप थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये जो इमली का पल्प था, इसको डाल देंगे। इसमें बीजे नहीं है, इमली में मिट्टी होती है, इसलिए इसको अच्छे से धोएं। कितनी भी अच्छी लग रही हो लेकिन धो लें तभी। अब इसको पीस लिया, देखिए पीस गई, बढ़िया हरी चटनी तैयार। इसको सेपरेट कर लेंगे। अब ये है, इसमें मीठी चटनी है, बनाएंगे। ये भी बहुत सरल और सीधे बन जाती है। इसमें चीनी डालेंगे, और नमक आपकी चॉइस है, आप डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें। ऐसे हल्का सा नमक डाल देंगे तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगेगा। आधा चम्मच नमक डाल दिया। अब इसको पकने चढ़ा देंगे। आधा ग्लास पानी डाल देंगे। अब दोस्तों, आलू करेंगे। आलू मैंने पिछला वीडियो आलू का ही सिखाया, मुझसे किसी ने डिमांड करी थी आलू सिखाएं, सही तरीका आलू उबालने का, जिससे आलू गीले ना हो, तो मैंने सिखाया है। ये वही आलू हैं। अब इनको कद्दूकस कर लेंगे। इनको मैश नहीं करना है, कद्दूकस करना है, क्योंकि कुरकुरी टिक्की बनानी है। अब दोस्तों, ये बिल्कुल पोली पोली ऐसे हल्के से बस शेप देनी है, इनको दबाना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से हल्की हल्की शेप देंगे, क्योंकि दब जाएगी ये लच्छे वाली। ये हल्की इस तरीके की टिक्की, बहुत हल्के से, बस इसको हल्के से दबाना है कि ये। और जितना कुल आलू था 1 किलो, उससे कम 21 या 22 टिक्की बनेंगी। अगर इनको भी मिला लेंगे तो ये टिक्की 30 टिक्की हो जाएंगी। दोस्तों, 2-3 टेबल स्पून घी डाल दीजिए, अच्छे से घी डाल दीजिए, क्योंकि टिक्की देसी घी ये है। बाकी आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप जो भी डालना चाहें, जो भी ऑयल, कुकिंग ऑयल डालना चाहें। मैंने देसी घी डाला है क्योंकि इनको तलने के लिए अच्छे से घी की ज़रूरत होगी, और घी अच्छे से गरम है, आप देख ही रहे होंगे खोल रहा है, इसलिए सावधानी के साथ डालें। अगर आपको आदत ना हो तो आप किसी राइस स्पून में या किसी चीज़ में रख कर और उसको धीरे से गिरा दें इसमें। ये देखिए, और गैस को मीडियम फ्लेम में रखें, मीडियम टू हाई में रखें,
लो में रखेंगे तो घी सूख जाएगा, और हाई पे कर देंगे तो अंदर कच्ची रह जाएगी और ऊपर से लाल हो जाएगी, इसलिए मीडियम टू हाई पे रखें, ना मीडियम पे ना हाई पे, बीच में। ये देखिए आप देख रहे हैं अलट पलट के, और इन टिक्कियों ने बहुत घी भी नहीं अभी सूखा है। अब इनको निकाल लेंगे और टिक्की सेक लेंगे इसमें। मैं आपको दिखाती हूँ, सेंधा नमक, भुना जीरा पाउडर, दही, फिर सेंधा नमक डालेंगे क्योंकि दही में सेंधा नमक नहीं पड़ा है, काली मिर्च, भुना जीरा पाउडर, हरी चटनी, मीठी चटनी, हरी मिर्च। आप हरी मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए क्योंकि व्रत का बन रहा है तो व्रत का तो बड़े खाते हैं। इंजॉय करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं गीताजलि की दुनिया में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।